सभी को शुभ मध्याह्न। मेरा नाम आर गायत्री बाई है, मैं सौंदर्य महाविद्यालय के हिंदी प्रवक्ता हूँ। आज मैं चतुर्थ सेम BCA का पाठ्यक्रम आवारा मसीहा नामक एक उपन्यास है। इस उपन्यास का उपन्यासकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा मीन्स जब मनुष्य के पास दिशा नहीं होती तो वो आवारा होता है। तो जिस मनुष्य को सही दिशा में या गलत दिशा में जाने के लिए जो भी मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो आवारा होता है। और जब उस मनुष्य को दिशा मिल जाती है तो मनुष्य को भलाई या बुराई का जो भी मार्गदर्शन मिलता है तो वो मसीहा बन जाता है। तो ये इसका नाम है आवारा मसीहा। तो ये आवारा मसीहा उपन्यास का उपन्यासकार का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। उन्होंने आवारा मसीहा कृति बंगाल साहित्य के विख्यात लेखक श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। शरद जी का जीवनी को विष्णु प्रभाकर जी ने 3 पर्वों में विभाजित किया है, जैसे दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी में देवनंदपुर में हुआ। उनके पिता माता का नाम भुवन मोहिनी और पिता का नाम मोतीलाल था। उनके पिता बड़े निर्भीक और स्वच्छंद स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अधिकांश समय ससुराल में ही बीता। जब शरद को 5 वर्ष हो गया तो उसको पाठशाला में भर्ती कराया गया। उनके अध्यापक अघोरनाथ थे। शरद की एक बार क्या होता है, जब छोटी उम्र में ही एक कक्षा में उसको विज्ञान की परीक्षा दी जाती है, उस परीक्षा में वो अव्वल आ जाता है। तो ये खबर पता लगने से अध्यापकगण बोलते हैं कि वो सही तरह पाठशाला नहीं आता है और सही तरह पढ़ाई नहीं करता है, तो ये अव्वल कैसे आया। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, पुनः एक बार मौखिक रूप से उनको परीक्षा दी जाती है। वो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का सही उत्तर वो देते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो एक बुद्धिमान युवक है। तो मैं आज बच्चों को आवारा मसीहा का पहला पर्व है दिशा हारा का सारांश मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इस पर्व में श्री विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बाल्यकाल का चित्रण किया है। उनके पिता का नाम मोतीलाल था। मोतीलाल जी बड़े निर्भीक और स्वच्छंद स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी पुत्री भुवन मोहन से हुआ था। उनके पुत्र शरद का जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को हुआ था। शरद का बचपन देवनंदापुर में बीता। बचपन में उनको बहुत से कष्ट उठाने पड़े। शरद के पिता का अधिकांश समय ससुराल में ही बीता। शरद को 5 वर्ष की आयु में पाठशाला में भर्ती कराया गया। शरद बचपन से ही नटखट स्वभाव का था, तो उसको जब 5 साल हो जाता है तो देवनंदापुर में ही उसको एक पाठशाला में भर्ती कराया गया। शरद बचपन से बहुत नटखट मीन्स बहुत शरारती था। वो स्कूल में भी कोई ना कोई शरारत करता रहता, घर में ही नहीं वो पाठशाला में भी कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था। शरद बहुत साहसी और निडर बालक था। एक बार मोहल्ले का नयन बागदी उसकी दादी के पास आया। तो एक व्यक्ति रहता है, वो उसका नाम था नयन बागदी। वो एक गाय खरीदने के लिए उनके दादी के पास आया। वो अच्छी गाय खरीदना चाहता था, अतः वो दादी से 5 रुपये मांगने लगा। शरद की दादी दयालु स्त्री थी, उसने 5 रुपये नयन बागदी को दे दिया। तो उसकी जो भी दादी थी वो बहुत दयानीय थे। उन्होंने नयन बागदी जब उसको 5 रुपये मांगने से वो उसको 5 रुपये दे देती है। वो चुपके से नयन बागदी के पीछे पीछे चल दिया। तो नयन बागदी ने ये 5 रुपये उसकी दादी से लेने से वो क्या करता है, उसका पीछा करता है। तो उसके पीछे पीछे शरद आते हुए
देख कर वो आश्चर्य में पड़ जाता है, ये लड़का क्यों मेरा पीछा कर रहा है, ऐसे आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने शरद से कहा कि उसे लौट जाना चाहिए, क्यों तू मेरा पीछा कर रहे हो, तुम लौट जाओ, ऐसा बोलता है। परंतु शरद पर बागदी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश होकर नयन बागदी शरद को अपने साथ चलने के लिए राजी हो गया। शरद को सुंदर नहीं कहा जा सकता है, वो शरद जो था वो देखने के लिए उतना सुंदर नहीं लगता था। हाँ, उसकी आंखें अवश्य सुंदर थी, उसका दो जो भी आंखें थी वो देखने के लिए बहुत सुंदर लग रही थी। उसमें परोपकारिता का गुण था। वो प्राय नदी के किनारे एकांत में बैठ जाता, वो उसमें बहुत सारे दूसरों को मदद करने का जो परोपकारिता का गुण था वो ज़्यादा थी। वो हमेशा क्या करता था, उनके गांव के यहाँ एक छोटा सा नदी बहता था, वो नदी के किनारे एकांत में बैठ जाता और तरह तरह की बातें सोचता रहता। वो मन ही मन कहता कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। वो हमेशा प्रकृति के बीच में बैठ के वो प्रकृति का आराधना करता था ना, इसलिए वो मन ही मन कहता था कि मैं इस प्रकृति का सौंदर्य का उपासक बनना चाहिए। एक दिन उसके अध्यापक अघोरनाथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। ओ जो जिस पाठशाला में वो पढ़ाई करता था उस पाठशाला का अध्यापक का नाम था अघोरनाथ। एक दिन वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, शरद उनके पीछे पीछे चल रहा था। इसी समय उसके कान में किसी स्त्री के रोने का आवाज सुनाई दिया। शरद ने अपने गुरु को स्त्री के रोने का कारण बता दिया। तो वो उनके अध्यापक के पीछे पीछे जा रहा था, उतने में क्या होता है, किसी एक स्त्री का रोने का आवाज उसके कानों में पड़ता है। तो वो क्यों रो रही है वो अपने अध्यापकों को बता दिया। मास्टर मुंशी जी शरद के शब्द सुनकर चकित रह गए। वो जो भी बातें बोला वो बात सुनकर उनको आश्चर्य हो गया। शरद अपने नाना जी के घर अधिक समय तक नहीं रह सका। उनके पिताजी किसी एक स्थान पर ठहर कर कार्य नहीं करते थे। पहले ही उनके स्वभाव के बारे में मैंने बताई थी कि वो बहुत घुमक्कड़ होता है। मोतीलाल जी एक घुमक्कड़ व्यक्ति और निर्भीक और स्वच्छंद स्वभाव के है ना, उसी प्रकार वो एक गांव में टिक कर नहीं रहता था, इसलिए शरद के सामने भी विवशता थी। तो जहाँ जहाँ भी उनके पिताजी जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाना ही चाहिए था। उन्होंने बगलपुर छोड़ दिया और देवनंदापुर आ गए। कुछ दिन तक वो बगलपुर में था, अब वो बगलपुर छोड़कर देवनंदापुर में चला गया गया। शरद ने भी आवारा जीवन को अपना सा लिया। तो आवारा मीन्स उसका मैंने अर्थ बताया है, जिसको सही या गलत मार्ग पर जाने का मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो आवार होता है। तो आवारा सा जीवन अपना सा लिया। कहानी किसे सुनने में उन्हें विशेष आनंद आने लगा। उसके साथ ही किसी बात की तह तक पहुंच की उसमें अपूर्ण क्षमता थी। मीन्स वो किस विषय के बारे में सोच विचार करना चाहता था उसमें वो ज़्यादा क्षमता देता था। पिताजी का मन देवनंदपुर में नहीं लगा तो वे पुनः बगलपुर में आ गए। जब देवनंदपुर में थे वो बगलपुर आ गए। बगलपुर आने के बाद उसको मन नहीं लगने से फिर वो देवनंदपुर गया था। अब देवनंदपुर भी उसको अच्छा नहीं लगने से वो फिर बगलपुर में आ गए। बेचारे शरद को भी उनके साथ आना पड़ा, क्योंकि शरदचंद्र का बाल्यकाल का कहानी है ना, वो जब बच्चा रहता था तब माता पिता का अनुकरण करना उसका कर्तव्य होता है, इसलिए वो क्या करता है वो बगलपुर फिर अपने माता पिता के साथ आ गया। शरद के समय में गांवों में चोरी डकैती आए दिन होती रहती थी। वो छोटा सा गांव में कभी कभी क्या होता था, चोरी या डकैती होती रहती थी, इसलिए अपना माल का और अपना अपने का रक्षा करने के लिए वो क्या करते थे, हमेशा रात को सोते समय बंदूकें अपने पास रख कर सोते थे एक रात की बात है, शरद अपने मामा के कमरे में खिड़की के मार्ग से घुस गए। तो कटपट हुई तो मामा ने अपनी बंदूक उठा ली। तो उन्होंने क्या करता है, जब मामा के घर जाना चाहे तो वो क्या करता है, चोर के बांधती खिड़की से वो मामा के यहाँ जाता है। तो
थोड़ा सा आवाज निकलने से उनका मामा क्या करते हैं, बंदूक उठा ली। वे बंदूक चलाना चाहते थे कि शरत ने कहा गोली मत चलाना, मैं हूँ। तो जब वो चोली वो गोली चलाना चाहते थे तो उन्होंने बताया कि गोली मत चलाओ, मैं तुम्हारा भतीजा शरत हूँ। शरत ने शरत तुम्हें डरने के लिए मैं खिड़की के वास्ते भीतर घुसाया, वो बोला तुम्हें डराने के वजह से मैंने खिड़की के जरिए मैं कमरे में आया। मामा के मुंह पर हंसी और भय के मिले जुले भाव तैर गए। तो उसका बात सुनकर हंसी भी आए और उनके मुंह पर भय के भी कुछ भाव झलकने लगे। इसके बाद शरत ने विज्ञान की परीक्षा दी। एक बार उन्होंने क्या किया, अपने कक्षा में विज्ञान की परीक्षा दी। उनके उत्तर देकर अध्यापक गण चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शरत सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन्होंने सोचा था कि वो अच्छे पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो फेल हो जाएगा। किंतु जो भी प्रश्न विज्ञान का प्रश्न पूछा गया था, सब प्रश्न का उत्तर वो सही माने में दिया था। तो उसको देखकर अध्यापकगण आश्चर्यचकित हो गए। ये जो उत्तर आए हैं ये शरद नकल के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने सोचा कि वो नकल मीन्स कॉपी के द्वारा उन्होंने ये उत्तर दिए गए हैं। अतः उन्होंने फिर से एक नया प्रश्न पत्र बनाया और कहा इन प्रश्नों का उत्तर दो। फिर उन्होंने क्या किया, नया एक प्रश्न पत्रिका बना के उन्होंने कहा कि इस प्रश्न पत्रिका का हल कर दो। इस बार शरत ने प्रश्नों की एक बार पढ़ा और मौखिक रूप से उनके उत्तर दिया। वो प्रश्न पत्रिका को एक बार ध्यान से पढ़ा और मौखिक मीन्स ओरल में उन्होंने वो प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति को देखकर अध्यापकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका जो भी स्मरण शक्ति थी वो असाधारण था, उसको देखकर वहाँ के अध्यापकगण प्रसन्न हो गए। पहले लिखने के लिए साक्षात शरद को जीवन राजू के साथ बैठकों में भी बिताता था। वो क्या करता था, पहले उसका एक दोस्त था, उसका नाम राजू, उसके साथ बाहर बैठकों में भी वो बिताता था। इसी समय शरद की माता की मृत्यु हो गई। उसका छोटी उम्र में ही उसकी माँ भुवन मोहिनी का देहांत हो गया। शरद को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि शरद ने अभी तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण की वो अपनी माता के प्रयास के कारण ही की थी। तुम्हें पता है माँ ही बच्चों का पहला गुरु माना जाता है, इसलिए वो जो जो भी शिक्षा ग्रहण किया था वो माँ की वजह से ही वो किया था। तो माँ की आकस्मिक मृत्यु से उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उनको अपने पिता के साथ रहना था, अब वो अपना पिता के साथ ही रहना था। इसलिए वे समझ गए कि कदाचित आगे वे कॉलेज की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पिता के साथ रहकर मैं कॉलेज का शिक्षा नहीं कर पाऊंगा। माता की मृत्यु हो चुकी थी, पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी पढ़ाई हो सकती थी, क्योंकि वो घूमकर कहीं भी एक जगह टिक कर कुछ भी काम नहीं करता था, तो आमदनी कहाँ से मिलता। तो आमदनी नहीं होने के कारण वो आगे का पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो ये पहला पर्व है, आगे का पर्व मैं कल पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।